हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से मेरे YouTube चैनल एजे बाइकर्स में। सो दोस्तों, आज का जो वीडियो है वो होने वाला दोस्तों फुल इंजन फिटिंग के ऊपर, यानी जो आज हमने इंजन खोलवा है वो है दोस्तों स्टार स्पोर्ट का फुल इंजन, यानी दोस्तों BS4 बाइक है और BS3 इनकी दोस्तों सेम इंजन फिटिंग है, इसलिए किसी में कोई डिफरेंस नहीं है। अगर आपको दोस्तों ये BS4 का इंजन फिटिंग करना आ गया और BS3 वाला भी कर लेंगे, तो चलिए दोस्तों बिना टाइम वेस्ट करते हैं वीडियो को स्टार्ट। दोस्तों स्टार्ट करेंगे मेन चेंबर से, जो कि देख सकते हैं दोस्तों ये इसका मेन चेंबर, और इसमें दोस्तों आपको खास ध्यान क्या रखना है वो है मेन सफाई का। चेंबर आपको अच्छी तरह से, यानी कहने का मतलब पूरा इंजन जो भी एक एक पार्ट जो आप साफ करें, चाहे गिरारी हो कुछ भी हो, A to Z चीज़ अच्छी तरह क्लीन और साफ होनी चाहिए, क्योंकि दोस्तों इंजन फिटिंग में मेन चीज़ यही होती है इंजन सफाई। अगर इंजन सफाई अच्छी रहेगी तो इंजन की लाइफ भी अच्छी रहेगी, ठीक है। तो अब हम स्टार्ट करेंगे इसकी आउटपुट शाफ्ट से। तो दोस्तों इसका सबसे बड़ा फायदा पता है क्या है, ये जो स्टार स्पोर्ट्स बाइक है ना, इसका जो गियर बॉक्स है ना वो सेम स्प्लेंडर प्लस, यानी हीरोंडा वाली जो बाइक होती थी HF डिलेक्स, स्प्लेंडर प्लस ये और पैशन प्लस, ये सब सेम ही, यानी इसका जो गियर फिटिंग है सेम ही होती है। तो आउटपुट शाफ्ट में देख रहे हैं ये गिरारी लॉक होती है यहाँ पर, जो कि स्प्लेंडर प्लस में भी होती थी, ठीक है। तो यहाँ पर हम लगाएंगे सबसे पहले एक वॉशर जो कि इस तरह का होगा, ये देखिए, ठीक है, वो यहाँ पर ऐसे लग जाएगा, ठीक है। और इसके ऊपर आएगी ये वाली गिरारी, वही सेम जो तीन पोल दिख रहे ना वो अंदर की तरफ होनी चाहिए ऐसे, ठीक है। और इसके बाद दोस्तों आएगा इसके ऊपर एक वॉशर वैसा ही सेम जो नीचे डाला है इसके, वो दोनों ये सेम ही है, कोई सा भी आप किधर भी डाल सकते हैं, ये यहाँ पर ऐसे लग गया है, ठीक है। और ये वाली गिरारी दोस्तों, ये गिरारी दोनों तरफ से लगभग सेम ही होती है, पर इसको आपको इस चीज़ को ध्यान देना है कि आप जिस तरफ से खोल रहे हैं, जिस तरफ थी ना ये, उसी तरफ ये लगानी है। जैसे कि ना जब हमने खोली थी ये इस साइड ऐसे, ये वाला हिस्सा अंदर था, यानी वॉशर का ये निशान हमने पहले ही देख लिया था, तो ये अंदर की तरफ था, तो हम ऐसे ही इसको लगाएंगे ताकि दोस्तों गियर की जो साउंड है वो ना आए। कि कई बार क्या होता है, गियर की गिरारी जो चेंज होती है ना, साइड चेंज होती है, तो उसमें गियर आवाज़ करने लग जाते हैं, यानी गिरारी में आवाज़ आने लग जाती है। और उसके बाद एक ये वॉशर लगेगा, ये वाला मैंने आपको लगा के नहीं दिखाया, एक बार दिखा देता हूँ, देखिए, ठीक है, ये यहाँ पर लगेगा। तो ये आउटपुट शाफ्ट हमारी रेडी हो चुकी है, ठीक है। और इसके बाद हमारी मेन शाफ्ट जो कि क्लच शाफ्ट भी बोलते हैं जिसको, इसमें भी दोस्तों सेम वही सिस्टम है, स्प्लेंडर वाला ही, ठीक है। तो इसके अंदर दोस्तों ये वाली गिरारी लॉक रहेगी, और इसके ऊपर एक आएगा वॉशर इस तरह का, ठीक है, इसको हम यहाँ पर डाल देंगे ऐसे करके, ये लो, ठीक है। और इसके बाद आएगी इसकी ये वाली गिरारी, ठीक है, ये यहाँ पर ऐसे लग जाएगी, यानी जो खांचे बने हुए ना ये अंदर की तरफ रखने ऐसे, ठीक है। दोस्तों ये दोनों शाफ्ट हमारे हो चुकी है रेडी, ये ऐसे लगेगी। अब इन दोनों को दोस्तों आपस में मिला करके फिट कर देना है, ठीक है, ऐसे करके अपने को लगा देना है, यानी ऐसे लगाएंगे। ये आउटपुट शाफ्ट है, ये इस वाले में जाएगी, यानी जो बाहर निकल रही है ना जिसमें चैन गिरारी लगेगी, उस वाले होल में डालनी है, और ऐसे करके आपको ऐसे सीधा बिल्कुल ऐसे डाल देना है, ठीक है। दोस्तों गिरारी ये बैठ चुकी है, और इसके बाद लगाएंगे अब इसके सिलेक्टर, ये देखिए दोस्तों सिलेक्टर में भी बहुत आसान है, इसमें किसी भी तरह की कोई कन्फ्यूजन नहीं है, एक छोटा है एक बड़ा है, जो बड़े वाला है वो हमारे आउटपुट शाफ्ट में और छोटे वाला है वो इनपुट शाफ्ट में, ठीक है। तो एक ही करके लगा लेते हैं, तो उल्टा तो ये लग नहीं सकता, क्योंकि देख रहे हैं दोस्तों ये जो पोल है, जो खुटी है ना, ये जो पिन निकली हुई है, ये ऐसे लगेगी, तो ये इस तरफ आ गई है, तो जिस तरफ तो सिलेक्टर आएगा नहीं, ये सॉरी गियर ड्रम आएगा नहीं, ये ऐसे डलेगा, ठीक है। और इसमें भी सेम यही है, ये ऐसे ही लगेगा, उल्टा ये लग ही नहीं सकता, ठीक है। तो एक करके दोनों को लगा लेते हैं, ये देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ, देख रहे हैं इस, ये इसकी जगह यहाँ पर है, ये देखो ये डल गया, और अब छोटा वाला लगा देंगे ऐसे ही, ठीक है दोस्तों, ये ऐसे लग गया है। इसके बाद दोस्तों ये जो सिलेक्टर दिख रहे हैं, इसके रोलर होते हैं दो इस तरह के, ये देखिए जो छोटे देख रहे ना, ये दोनों लगा ले हैं, लगाना है तो जिस तरफ चले तो उसी तरफ लगाएंगे, ये जो नया वाला जो हिस्सा दिख रहा है इसको बाहर की तरफ रखेंगे, और जो पुराना वाला हिस्सा दिख रहा है इसको अंदर की तरफ रखेंगे, तो इनको भी ऐसा लगा देना है, देखिए, ठीक है, ये ऐसा लग गया है, और दूसरा भी ऐसे ही लगाना है, ये देखिए, ठीक है, ऐसे लगा करके इनको ऐसे करके छोड़ देना है। और इसके बाद लगाएंगे इसका गियर ड्रम, तो गियर ड्रम लगाने का सबका तरीका सेम वही है, जो न्यूट्रल पत्ती दिख रही है, तो ये जो न्यूट्रल स्विच का जो होल दिख रहा नहीं है, ये न्यूट्रल पत्ती सेम इसी के सीध में डालनी है ऐसे करके, ठीक है, ये देखिए डल गई है। और इसके बाद दोस्तों एक एक सिलेक्टर उठा करके गियर ड्रम में बैठा देनी है, जैसे कि मैं एक गिरारी इसको उठा रहा हूँ और ये इसमें बैठा दी है, और इसी तरह ये वाली भी जो दूसरी वाली आउटपुट शाफ्ट है इसको भी ऐसे करके मिला देना, ठीक है, देखिए देखिए मिल गए इन दोनों होल, इसके भी और इसके भी, और इन दोनों में अभी ना पिन डाल देनी है,
जो इस तरह की जो पिन होती है, ये देखिए एक एक करके दोनों में डाल देनी है, इसमें बैठ गई है और इसमें भी बैठ गई है। ठीक है दोस्तों, दोनों का सेम साइज़ होता है, कोई किसी में भी डाल दें। ठीक है दोस्तों, अब हमारा ये गियर बिल्कुल रेडी हो चुका है। गियर फिट होने जाने के बाद दोस्तों अब लगाएंगे इसकी किक। ये देख रहे हैं जो किक शाफ्ट दिख रही है, ये वाली इसकी लगाएंगे। पर दोस्तों इसकी जो किक रेचेट दिख रहे हैं दोस्तों, ये इसी में लॉक होती है, अगर आप निकालना चाहें तो यहाँ से निकाल सकते हैं। ये जो सामने जो ये लॉक लगा हुआ है, ठीक है, तो ये आप किसी भी पोजिशन में रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पर जो इसका जो ये दूसरे वाला जो रेचेट होगा ना, इसको आपको यानी टाइमिंग मिला करके लगाना है। कैसे लगाना चले मैं आपको बता देता हूँ। तो इसमें ना आपको दो होल देखने के मिलेंगे, एक ये वाला और एक ये आगे वाले जो ये वाला डॉट देखने को मिलेगा। तो ऐसे ही आपको रेचेट में भी एक निशान देखने को मिलेगा, ये देख रहे हैं ये वाला जो निशान लगा हुआ है। तो इन दोनों को बिल्कुल सीध में रखना है ऐसे करके, देख रहे हैं ये देखिए, बिल्कुल आप चेक करेंगे तो बिल्कुल ये आमने सामने है, देख रहे हैं दोस्तों। ऐसे करके आपको यहाँ पर इसको ऐसे छोड़ देना है, और इसके बाद दोस्तों एक आएगी स्प्रिंग जो कि आपको सीधी ऐसे डाल देनी है। ठीक है, इसमें कोई लॉक नहीं होता है दोस्तों, जो कि स्प्लेंडर प्लस में आता है लॉक, इसको दबा के इसको प्रवासर के लॉक होता है, पर इसमें नहीं होता है। आपको डायरेक्ट स्प्रिंग डालनी है, और इसके बाद ये वाला जो वाशर होगा, ये वाशर आपको ऐसे करके डाल के छोड़ देना है ऐसे करके। ठीक है, और इसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर ये डायरेक्ट ऐसे अप्लाई कर देनी है, यहाँ इसको रख देना है ऐसे अपनी जगह पर। ठीक है, इसको यहाँ पर रख करके छोड़ देना है, इसका काम हमारा ख़त्म हो गया है। इसके बाद लगाएंगे इसकी क्रैंकशाफ्ट, ये देखिए इसकी क्रैंकशाफ्ट में दोस्तों फिट करने से पहले ना इसमें ऑयल जरूर दे लें, सूखा इसको ऐसे ही फिट ना करें। इसके बैरिंग में ऑयल लगा लेनी है, और इस तरफ भी लगा लेनी है। ठीक दोस्तों, और अब इसको डायरेक्ट ऐसे अप्लाई कर देनी है, नहीं इसको ऐसे फिट कर देनी है आराम से। ठीक है दोस्तों, ये अपनी जगह पर बैठ गई है। और इसके ये जो कनेक्टिंग रोड दिख रहे हैं, इसमें भी हल्का सॉइल डाल दें। ठीक है, ये भर गई है, और इसके बाद इसको हल्का जैसे करके घुमा दें तो ऑयल ये अंदर तक चला जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसके बाद दोस्तों आपको लगानी है दो डाउल बूस्ट जो कि इस तरह की होगी। एक आपको यहाँ पर लगानी है, ये देखिए इस वाले कोने पर, यहाँ पर ऐसे करके फिट कर देनी है, और दूसरी आपको यहाँ पर लगानी है यहाँ पर। ठीक है, ये लगाना दोस्तों बहुत ज़रूरी है। और इसके बाद लगाएंगे इसकी पैकिंग, इसमें आपको दोस्तों बॉन्ड यूज़ नहीं करनी है बिल्कुल भी। ठीक है, बॉन्ड वहाँ पर यूज़ करते हैं जहाँ पर फेस ख़राब हो, इसके फेस बिल्कुल नए हैं यानी बिल्कुल ओके है, तो इसमें हम यूज़ नहीं करेंगे। और यहाँ पर पैकिंग बाद में फाड़नी, अभी नहीं काटनी यहाँ से। ठीक है, इसके बाद दोस्तों अब लगाएंगे दूसरे वाला चेंबर, जो कि दोस्तों इसके बैरिंग वगैरह में पहले ही ऑयल लगा लें। ठीक है दोस्तों, ये जाम नहीं होना चाहिए, फ्री होनी चाहिए, और बैरिंग की प्ले भी चेक कर लें, कोई सा बैरिंग खराब ना हो, खराब हो तो चेंज कर लें। ठीक है, और इनके फेस पे खास ध्यान रखना है, फेस में किसी भी तरह की मतलब वो पैकिंग चिपकी नहीं होनी चाहिए पुराने वाली, ये बिल्कुल साफ और प्लेन होनी चाहिए। ठीक है, और इसके बाद इसको डायरेक्ट ऐसे अप्लाई कर देंगे, ये देखिए देखो दोस्तों, ये अपनी जगह पर जा करके बैठ जाएगा आराम से, जैसे आप इसको सेट करेंगे। देखिए ठीक है दोस्तों, ये अपनी जगह पर जाकर के सेट हो गया है, और अब इसको यानी इसकी साइड चेंज करेंगे ताकि पीछे वाले बोल्ट लगा सके। यहाँ पर इसको रख देंगे सर। ठीक है, चेंबर के बोल्ट दोस्तों टोटल 9 बोल्ट होते हैं, और सारे के सारे एक साइज के होते हैं, यानी छोटे बड़े इसमें नहीं होते हैं। ठीक है, तो एक एक करके सारे बोल्ट इसको यानी लगा लेते हैं, और फिर इनको कर लेते हैं टाइट। सारे चेंबर के बोल्ट टाइट होने के बाद दोस्तों अब इसके बाद लगाएंगे गियर ड्रम का बोल्ट, जिसमें कि एक वाशर होता है इस तरह का, और एक छोटा 10 नंबर का बोल्ट होता है, ये देखिए। ठीक है, इस प्रकार का होता है जो कि यहाँ पर इस होल में यहाँ पर लगेगा। ठीक है, और इसमें दोस्तों टाइट करने का भी एक तरीका होता है, मैं आपको बता देता हूँ। ऐसे चढ़ाने के बाद दोस्तों बोल्ट आपको डायरेक्ट ऐसे करके टाइट नहीं करना है, देखिए देख रहे हैं। इसके बाद आप क्या करना है, ये गियर गियर घुमा करके इसको चेक कर लेना है कहीं पर ये अटका हुआ तो नहीं है, देख रहे हैं, ये अटक रहा था यहाँ पर आकर गया, अभी रुक गया, देख रहे हैं, देख रहे हैं ऐसा क्या ये नहीं जा रहा है, तो यहाँ पर अब आपको टाइट करना है। ठीक है, ठीक है दोस्तों, ये हो गया है टाइट।
इसके बाद दोस्तों अब हम इसकी इंजन की साइड चेंज कर लेंगे, जो पहले वाली जो पोजीशन थी वही कर लेंगे फिर से ऐसा, ठीक है। अब यहाँ पर हम इसको फिट करेंगे, यानी इसकी क्लच फिट करेंगे। अब सबसे पहले दोस्तों हम इसकी लगाएंगे गियर शाफ्ट, तो गियर शाफ्ट में थोड़ा सा ऑयल लगा लें ताकि आराम से अंदर अपनी जगह पर चली जाए, ठीक है। ऐसा ऑयल लगाना है और आपको डायरेक्ट सीधे से डाल देनी है इसमें, एक मिनट इसको यहाँ पर इसको ना ऐसे दबा के रखना है ऐसा, ठीक है। ये अपन जगह पर आकर के अपना भी सेट हो जाएगी, देखिए देख रहे हैं, ठीक है दोस्तों, ये अपन जगह पर आ गई है। और इसके बाद दोस्तों अब ये जो पत्ती देख रहे हैं ना, गेट डॉग पत्ती, अब इसको यहाँ पर ऐसे इस पोजीशन में रखना है, अगर खोली हुई है तो आपको ये बोल्ट टाइट करना है और चेक कर लेना है एक बार। और यहाँ पर एक स्प्रिंग होती है, मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखिए देख रहे दोस्तों, इस प्रकार की स्प्रिंग होती है एक छोटी सी। तो ये कैसे लगेगी दोस्तों, ये जो देख रहे हैं स्प्रिंग भी है थोड़ी सी अलग है, एक साइड से आपको बड़ी नज़र आएगी और दूसरी साइड से ये छोटी छोटे वाले हिस्सा नज़र आएगी, देखिए देख रहे हैं ये वाला, ठीक है। तो जो बड़े वाला हिस्सा है ना, आपको ये इसमें डालना है गेट ऑफ पत्ती में, ऐसे करके ऊपर की साइड से ऐसे डालना है, ठीक है। फिर आपको इसे उठा करके ऊपर ले आनी है, और इसमें लेना है दोस्तों बारीक पेचकस की मदद से इसको इसमें बिठाएंगे, देखें दोस्तों वैसे पकड़ के आपको आराम से इसमें डाल देने हैं, ठीक है दोस्तों। ये देखिए देख रहे हैं, ये अपने जगह पर आकर के बैठ गई है, ये देखिए। इसके बाद लगाएंगे दोस्तों इसकी किक की स्प्रिंग, ठीक है। ये एक ऐसा प्लास्टिक का बुश होगा और एक इस प्रकार की एक स्प्रिंग होगी, ठीक है। तो इन दोनों को लगाने से पहले ना आपको एक बार गियर गियर घुमा के देख लेनी है, देखिए देख रहे हैं गियर के साफ्ट घुमा रहे हैं ना, आउटपुट कलर साफ, तो ये किक साफ्ट भी घूम रही है। तो आपको क्या करना है, जिस पोजिशन में घूम रहे हैं ना इसको यहाँ पर इसको रोक देना, देख रहे हैं अभी इस आगे नहीं जा रहे हैं, तो थोड़ी सी और आप ताकत लगाएंगे ना तो ये थोड़ी सी और आगे जाएगी, ये देखिए देख रहे हैं यहाँ पर आकर अभी ये लॉक हो गई है। इसको हम घुमा रहे हैं अभी, इसके साफ्ट का कोई फर्क नहीं पड़ रहा, ठीक है। इस पोजिशन में हमको ये वाली जो स्प्रिंग देख रहे हैं, ये वाली स्प्रिंग इसमें बिठानी है, ठीक है। तो कैसे बिठानी है मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। तो ये वाला ना देखिए साइड में रख के यहाँ से दिखाता हूँ आपको, ये देखिए ये वाला जो हॉल देख रहे हैं, देखिए छोटा सा हॉल दिख रहा है ये वाला, इस हॉल में हमें ये वाली स्प्रिंग डालनी है ऐसे करके, देख रहे हैं ऐसे करके इसमें ये डालनी है, यहाँ पर ऐसे करके छोड़ देनी है, और आपको प्लास्टिक वाला जो बुश होगा बुश इसमें ऐसे डाल देना है। एक मिनट आपको ना थोड़ा सा डालते हैं, थोड़ा सा टफ है दोस्तों पर ये लग जाती है, देख रहे हैं बुश तो अंदर चला गया। और अब क्या करना है, आपको स्प्रिंग ऐसे खींचनी है और यहाँ पर ये वाला जो देख रहे हैं ये वाला टक्कर देख रहे हैं, ये वाला लोक, ये जो आपको नक्का बना हुआ है ना इसमें इसको डालना है, ये देखिए ठीक है ये डल गई ऐसे करके, ये देखिए ठीक है ये हो गया है सेट, ये स्प्रिंग सेट हो गई है। और इसके बाद दोस्तों इसके ऊपर एक वाशर आता है, ये देखिए इस तरह का एक वाशर आएगा, ये वाला जो पतला सा स्प्रिंग सीम वाशर जो होता है ना इस तरह का, इसको आप कैसे डाल देना है। और इसके बाद दोस्तों ये होता है लॉक इसका, ये देखिए ठीक है ये वाला लॉक यहाँ पर ऐसा रखना है, और जो उल्टा लॉक प्लस होता है जो कि इस प्रकार का होता है, ये देखिए ठीक है उल्टा लॉक प्लस से आपको इस लॉक को नीचे बिठा देना है, ये देखिए ठीक है दोस्तों ये बैठ गया है लॉक में, ये देखिए लॉक में एकदम फिट हो गया है। इसके बाद दोस्तों अब आपको लगाना है गियर प्राइमर ड्राइव, यानी जीपीडी गिरारी जो कि इस क्रैंक में यहाँ पर लगेगी, ठीक है। तो ये वाला जो आपको जो लंबा वाला कट दिख रहा है ना, तो इसमें एक इस तरह की लंबी वाली कटर मिलेगी, तो कटर पिन आपको यहाँ पर ऐसे सिंपल ऐसे डाल देनी है, ये देखिए ठीक है ऐसे करके डाल देनी है। और इसके बाद जो जीपीडी गिरारी होगी आपको ऐसे डालनी है, देखिए देख रहे हैं इस तरह इस पोजीशन में आपको अंदर से अंदर डालनी है इस तरह, जैसे खाँचा मिलेगा ना आपस में तो ये अंदर आराम से बैठ जाएगी, देखिए देख रहे हैं ये बहुत ही आराम से बैठ जाती है, ठीक है। और इसके बाद लगाएंगे इसका ऑयल पंप, ये देख रहे हैं ये ऑयल पंप में दोस्तों पूरा खोला हुआ नहीं है, यानी ये वाला लॉक खोलने के बाद ये गिरारी अलग हो जाती है, पर दोस्तों बस ये नीचे से खुल जाता है तो यहाँ से सफाई इसकी अच्छी तरह हो जाती है, ठीक है। तो सफाई वगैरह का खास ध्यान रखें, इसमें कचरा नहीं होना चाहिए, क्योंकि दोस्तों ऑयल पंप बहुत ज़रूरी चीज़ है, अगर इसमें कोई परेशानी आई तो ऑयल पंप की सप्लाई रुक जाएगी, यानी ऑयल की सप्लाई रुकेगी और इंजन में यानी जो नया इंजन करेंगे वो फिर से ख़राब हो जाएगा, यानी जाम हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें ना पहले ऑयल डाल लेना है, ऑयल डालने के बाद फिर इसको फिट करना है। आप इसको ना ये जो आपको
गिरारी में ना छोटा सा डॉट नज़र आएगा गिरारी में, देखिए देख रहे हैं, दिख रहा होगा शायद आपको, ये आपको अंदर की तरफ रखना है, किसी भी पोजिशन में आपको ऐसे डाल देना है, देखिए ठीक है, अब ये वर्क कर रहा है देखिए ठीक है। और इसके बाद आपको ऐसा उल्टा करना है, ऐसे करके डाल देना, यानी जो ये छोटे छोटे जो पिन दिख रहे हैं ना, ये देखिए ये जो दो पिन दिख रहे हैं आपको, ये दो पिन इन दोनों होल में डालनी है, ये देखिए ठीक दोस्तों, इसमें बिल्कुल सेट हो गई है। और इसके बाद दोस्तों इसके जो बोल्ट होंगे वो इस प्रकार के होंगे, मोटी बिट यहाँ पर बोल्ट वाले नज़र आएंगे, और वैसे 10 mm के बोल्ट भी लगे, 10 mm की गोटी भी लग जाएगी और मोटी बिट भी इसमें लग जाएगी, तो इन दोनों को यहाँ पर रख के टाइट कर लेना है ठीक दोस्तों। दोनों बोल्ट टाइट हो जाने के बाद, और इसके बाद लगाएंगे दोस्तों एक वाशर और एक लॉक, ये जो वाशर देख रहे हैं ये इस प्रकार का होगा, एक लॉक या सॉरी ये वाशर, तो आपको ये इस शाफ्ट में डालना है, क्लच शाफ्ट में ऐसे करके ठीक है। और ऐसे डालने के बाद दोस्तों अब इसको लॉक करना है, तो आपको क्या करना है, इसको घुमा लेना है, यानी देख रहे हैं ये खांचे में भी डाला नहीं है, तो इसको ऐसे घुमा के ऐसे जगह छोड़ देनी है, देखिए देख रहे हैं अब ये होल ये फ्री हो गए हैं, देख रहे हैं नजदीक से मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए देख रहे हैं, इसको होल को आपस में फ्री, यानी एक तरह से ये होल को फ्री कर देना है, ताकि जो दूसरे वाला जो लॉक लगाएंगे ना ये पतले वाला, तो ये जो नक्का देखे ना आपके ये वाला, ये देखिए ये जो नक्का देख रहे हैं ये साइड में इन दो में जा सके, देखें ये चला गया है ठीक है। अब ये लॉक जो नीचे का जो वाशर था ना वो लॉक हो चुका है, वो बाहर अब नहीं आएगा ठीक है। और इसके बाद दोस्तों अब इसके लगाने क्लच हाउसिंग, इसमें आपको क्या करना है, पहले यहाँ पर इसका ऑयल लगा लेना है थोड़ा सा ठीक है। और इसके बाद अब इसका जो ये वाला देख रहे हैं ये वाला बुश ऊपर से डालना है, ऐसे डाल देना है ठीक है। और इस बुश में भी ऑयल लगा लेना है थोड़ा सा, चिकना कर लेना है ठीक है। और आपको अब सीधा इस पोजीशन में आपको डाल देना है क्लच शाफ्ट में, यानी क्लच वाली आउटपुट क्लच वाली मेन शाफ्ट में ठीक है दोस्तों। ये ऐसे यहाँ पर हमारी यहाँ तक कमर काम हो चुका है। इसके बाद दोस्तों अब इसकी क्लच प्लेट फिटिंग करेंगे, जैसे कि देख रहे हैं ये है क्लच हब, और क्लच हब में सबसे पहले लगाएंगे इसकी क्लच प्लेट, और ये क्लच प्लेट दोस्तों ओरिजिनल है, और आपको अभी कभी भी कोई भी सामान डालें ओरिजिनल ही डालना है ठीक है। तो क्लच प्लेट डालेंगे सबसे पहले, और उसके बाद स्टील प्लेट में ध्यान रखना है दोस्तों, जो प्लेन जो आपको स्मूथ हिस्सा नजर आए वो नीचे रखना है, और जो आपको खुरदरा महसूस हो ना वो उसको आपको ऊपर रखना है, ऐसे करके एक एक करके आपको क्लच प्लेट और स्टील प्लेट डाल लेनी है, जैसे कि स्टील प्लेट डाल दी, और उसके बाद एक क्लच प्लेट, और उसके बाद एक स्टील प्लेट, सेम वही तरीका जो मैंने आपको बताया है, ऐसे ही करके आपको सारी क्लच प्लेटें डाल लेनी है। ठीक है दोस्तों, ये क्लच प्लेट डल गई है, और इसके बाद इसका जो सेंटर होगा ऐसे चार गुट्टी वाला वो ऐसे डाल देना है दोस्तों, ये भी चल जाएगा ठीक है, नॉर्मल से निशान है ये चल जाएंगे अभी ठीक है। और इसको आपको सिंपल ऐसे सेट कर देना है ठीक है। और यहाँ इसके बीच में कोई भी वाशर नहीं आता दोस्तों, ये जो बुश देख रहे हैं बुश ये वाशर का काम ही करता है, तो ऐसे आपको पलट के एक आराम से इसको सेट कर देना है इसमें ठीक है। इसके बाद दोस्तों अब लगाएंगे इसका वाशर, जो कि देख रहे हैं इसका वाशर थोड़ा अलग टाइप होता है, यानी एक स्प्रिंग वाशर एक तरह का, तो आप ऐसे चेक करेंगे उल्टा, तो बीच वाला उठा हुआ हिस्सा है ये उठा हुआ हिस्सा है, और नीचे जो साइड किनारी वो नीचे है, और बीच वाला हिस्सा ये उठा हुआ है, ऐसे करेंगे तो आप ये ढलान नजर आएगी आपको नीचे की तरफ ढलान जाती हुई, तो आपको ऐसे पलट के ऐसे लगाना है इस पोजिशन में ठीक है। और इसके बाद इसकी डिग्री लगा देनी है, जो कि इसकी जो थ्रेड यानी जो चूड़ी होती है वो सीधी चूड़ी है देखिए ठीक है, ऐसे करके आपको ये टाइट करना है। क्लच का बोल्ट टाइट हो जाने के बाद दोस्तों अब इसके बाद लगाएंगे इसकी चार स्प्रिंग, जो कि आपको एक ही पोजीशन में रखनी है, आप इसका फेस चेक कर सकते हैं, सारे फेस एक ही तरफ रखने हैं अंदर की तरफ, ये देखिए ठीक है, ऐसे करके चारों आपको फेस आगे अंदर कर लेना है। और इसके बाद लगाएंगे इसकी लिफ्टर प्लेट, ऐसा आपको रख लेनी है ठीक है। और इसके बाद इसके चार बोल्ट जो कि इस प्रकार हैं, यानी इस साइज के हैं 10 नंबर के ठीक है, और इन दोनों चारों को दोस्तों बराबर टाइट करना है, ऐसा नहीं है कि आपको एक साइड के ही बोल्ट टाइट कर दिया फिर इसके बाद दूसरा कर रहे हैं इसके बाद फिर तीसरा कर रहे हैं, ऐसा नहीं करना है, चारों को बराबर टाइट करना है, थोड़ा सा ये टाइट किया फिर थोड़ा सा ये फिर थोड़ा सा ये फिर थोड़ा सा ये फिर ये फिर ये फिर ये फिर ये ऐसे करके आमने सामने के बराबर टाइट करना है। चारों बोल्ट टाइट हो जाने के बाद दोस्तों अब इसके बाद लगाएंगे इसका बैरिंग, तो बैरिंग में भी ऑयल लगा लें ठीक है, और इसके बाद इसको यहाँ पर लगा दें लिफ्टर प्लेट के ऊपर, ये आराम से ऐसे ही चला जाएगा देखिए ठीक है। और इसके बाद लगाएंगे इसकी
रोटर, और इसका सफाई का खास ध्यान रखें दोस्तों, इसको इसके अंदर ना सबसे ज़्यादा कचरा मिलता है रोटर के अंदर, तो सफाई आपको सही तरीके से करनी है, ठीक है। और इसके जो देखो ना ये वाला जो कट दिख रहा है, ये कट दिख रहा है या तो ये वाला कट आएगा दोस्तों, यहाँ पर ये जो कटर दिख रहा है ना आपको, ये देखिए, ये मैं आपको दिखाता हूँ इस तरह घुमा के, ये देखिए, देख रहे हैं ये जो कटर लगाई थी ना हमने, इस कटर के सीध में लगाना है इसको ऐसे करके, ये देखिए, ठीक है, ये लग गया है। और इसके बाद वही सेम वासर और उसी प्रकार लगाना है जैसे मैंने आपको बताया था, जो ढलान वाला जो ढलान दिख रहा है ना आप ऐसे करेंगे तो जो ढलान दिख रही है उसको आपको ऐसे करके उल्टा कर देना है, तो बीच वाला हिस्सा है ये उभरा होना चाहिए, ऐसे करके इस पोजिशन में आपको इसको लगा देना है यहाँ पर। और इसके बाद इसका बोल्ट रोटर का, और इसमें दोस्तों एक खास चीज़ है जो आपको ध्यान रखना है, तो इसकी जो थ्रेड जो चूड़ी है दोस्तों ये उल्टी होती है, सीधी नहीं है, ये उल्टी होती है ऐसे, यानी जो जो क्लॉक घूमती थी साइड, इसकी विपरीत साइड घुमाना है, यानी उल्टी साइड, उल्टी साइड घुमाएंगे एंटी क्लॉक वाइज, तो ये टाइट होगा ऐसे, ठीक है, इसको टाइट कर लेते हैं। रोटर का बोल्ट दोस्तों टाइट हो जाए उसके बाद इसकी लगाएंगे रोटर प्लेट, जो कि देख रहे हैं दोस्तों इसकी जो पैकिंग थी ये सही थी, तो इसमें हमने इसकी इसको मतलब हटाया नहीं है, इसी को यूज़ कर रहे हैं, अगर ये फट जाए तो दोस्तों नई लगा देनी है, ठीक है। तो ऐसे करके आपको इसके तीनों बोल्ट को सीधे में मिला लेना है, और इसके बाद दोस्तों इस तरह के बोल्ट होंगे छोटे वाले, जो इसमें जो क्लच में लगाए थे ये बड़े बोल्ट हैं और ये इससे छोटे हैं, ठीक है। तो इन तीनों को यहाँ पर ऐसे करके तीनों को टाइट कर लेना है, ठीक है, फटाफट से टाइट कर लेते हैं इसको दोस्तों। तीनों बोल्ट टाइट हो जाने के बाद अब लगाएंगे इसके डाउल बूस्ट, जो कि दो होते हैं दोस्तों, एक तो ऑलरेडी इसमें लगा हुआ है यहाँ पर, ये देखिए, देख रहे हैं यहाँ लगा हुआ है, और दूसरा यहाँ पर इसको लगा देंगे ऐसे करके, और इसके बाद लगाएंगे इसकी पैकिंग ऐसे ही इसको और रख देनी है, इसमें भी बॉन्ड अभी नहीं लगानी है, यानी बॉन्ड इसमें लगानी ही नहीं है, ठीक है। और इसके बाद दोस्तों यहाँ पर ना इसकी जो ठेसी और जो क्लच की जो ठेसी बोलते हैं वो यहाँ पर ऐसे आएगी, इसको यहाँ पर ऐसे रख देना है। और इसमें एक खास चीज़ और है दोस्तों जो कि आपको ध्यान देना है दोस्तों, खास इस चीज़ को तो बिल्कुल भूलना नहीं है, ये देख रहे हैं ये जो छोटी सी गोली होती है इसको तो गलती से भी ना भूलें दोस्तों, नहीं तो क्लच ठीक से काम नहीं करेगी। और ये इसके बीच में डाल देनी है इसके अंदर, ये देखिए, ठीक है, इसके अंदर डाल देनी है, मैं आपको एक बार और दिखा देता हूँ, ये देखिए, देख रहे हैं, ये देखिए, ठीक है, इसके अंदर ये डालनी है और यहाँ पर इसको ऐसे करके छोड़ देना है, ठीक है। इसके बाद दोस्तों लगाएंगे अब इसका क्लच का कवर, तो क्लच का कवर लगाने से पहले दोस्तों यहाँ पर इसकी क्लच रॉड डालनी है, तो दोस्तों क्लच रॉड में ना आपको ये चीज़ देख लेनी है, ये जो रिंग देख रही है ना ये होनी चाहिए, अगर ख़राब हो यानी यहाँ से अगर लीकेज करती है, ये जो देख रहे ना ये वाला पार्ट है, ये वाला यहाँ पर अगर सीलन रहती है ऑयल की, तो आपको इसकी ये वाली जो रिंग देख रहे ना इसके बीच में ये इसको बदल देना है, ठीक है। पर इसमें सीलन नहीं थी यानी लीकेज इसकी बिल्कुल भी नहीं थी, तो ये सही थी, तो इसी को हम इसमें लगा रहे हैं। तो कैसे लगानी है, क्लच रॉड में एक ऐसी स्प्रिंग आएगी, ये देखिए, देख रहे हैं एक ऐसी स्प्रिंग इसमें ऐसे डालनी है, और आपको यहाँ पर ऐसे डालना है, ठीक है, ये देखिए यहाँ पर यह अटक गई है ऐसे। और इसके बाद दोस्तों अंदर यहाँ पर भी एक ठेसी लेवल लगेगी जो कि इस प्रकार से, ये देखिए, देख रहे हैं इस तरह के, और यहाँ पर इसको कैसे खड़ा कर देना है, ठीक है, ये सेट हो गई है। और इसके बाद दोस्तों आपको लीवर को पकड़ के रखना है, ठीक है, लीवर को पकड़ के रखना है, और आपको ऐसा सिंपल इसमें इसको सेट कर देना है, ये देखिए, ठीक है दोस्तों, ये देखिए आप क्लच लीवर दबा के देखें ना तो आपको टप उठता हुआ नजर आएगा, देखिए, देख रहे हैं ये काम कर रही है, ठीक है दोस्तों क्लच कवर के टोटल 9 बोल्ट होते हैं, ये इसमें 8 है, एक और बोल्ट है शायद इसमें यहीं कहीं रखा होगा, तो मैं आपको बता रहा हूँ इसमें टोटल 8 बोल्ट होते हैं, सॉरी 9 बोल्ट होते हैं, तो फटाफट से 9 के 9 बोल्ट को फटाफट से टाइट कर लेते हैं। और दोस्तों सारे के सारे ना एक ही साइज़ के होते हैं, कोई भी इसमें छोटा बड़ा नहीं होता है, सब सेम साइज़ के होते हैं, तो फटाफट से इनको लगा के कर लेते हैं टाइट, एक रह गया है तो इसको भी ढूंढ के टाइट कर लेंगे बाद में, तो फटाफट से इनको मैं टाइट कर लेता हूँ दोस्तों। अब इसका सिलेंडर फिट करेंगे, पर इसका जो जो फेस देख रहे हैं ना यहाँ पर, ये वाला हिस्सा जहाँ पर पैकिंग लगी हुई है, इसको ब्लेड या कटर से किसी भी चीज़ से इसको बराबर एकदम यहाँ से एकदम प्लेन बराबर काटना है, यहाँ से और यहाँ से, ठीक है, ये मैंने पहले ही यहाँ पर काट लिया था, ठीक है। और इसके बाद लगाएंगे दोस्तों दो डाउल बूस, एक यहाँ पर लगेगी और दूसरी यहाँ लगेगी, ठीक है। और इसके बाद दोस्तों यहाँ पर लगाएंगे पैकिंग, जो कि जेन्युइन पैकिंग यूज़ करनी है अपने को, ठीक है,
मैं इसको बाहर निकाल लेता हूँ। अगर ये देखिए ठीक है, सो इस तरह की पैकिंग आएगी और आपको ये यहाँ पर ऐसे ऐसे रख देनी है आराम से, ये देखिए ठीक है दोस्तों। और इसके बाद दोस्तों लगाएंगे इसका पिस्टन, और इसकी दोस्तों जो रिंग कैसे डालते हैं दोस्तों, जो मैंने पहले ही डाल रखी है रिंग कैसे डालते हैं इसके ऊपर दोस्तों, पहले ही मैंने वीडियो डाल रखी है, तो जा करके आप देख सकते हैं कि पिस्टन में रिंग कैसे डाली जाती है, तो ये ऑलरेडी मैंने डाल रखी है ठीक है। तो अब कनेक्टिंग रोड में पिस्टन को लगा लेंगे ऐसे, ये देखिए ठीक है दोस्तों ये लग गई है। और इसके बाद इस तरफ लॉक लगा देंगे, ये वाला इस तरफ लॉक लगा लेना है, दूसरा मैंने पहले ही लगा लिया था ठीक है दोस्तों, लॉक लगा लिया है। और इस पर आप खास ध्यान दें, ये जो तीर का निशान देख रहे हैं दोस्तों, तीर का निशान हो तो वो नीचे होना चाहिए, अगर उस पर इन लिखा हो तो इन वो ऊपर होना चाहिए। अगर मान लो तीर का निशान भी नहीं है और इन लिखा हुआ भी नहीं है, तो आप वाल के जो ये कट देख रहे हैं ना, ये कट ये वाला और ये वाला, इन कट से भी आप पता कर सकते हैं। अगर छोटे वाला कट है तो वो नीचे वाला होगा और जो बड़े वाला कट है वो ऊपर होगा, ऐसा नहीं करना है कि बड़े वाला कट आपको नीचे कर लिया और छोटे वाला ऊपर कर लिया, ये उल्टा हो जाएगा, आपको सीधा रखना है ठीक है। बड़े वाला वाल जो होता है वो इनलेट का होता है, छोटे वाला वो एग्जॉस्ट का होता है ठीक है दोस्तों। तो इसके बाद आप इसमें ब्लॉक डालेंगे, तो ब्लॉक दोस्तों आपको अच्छी तरह ही इसकी सफाई कर लेनी है, तो इसमें ब्लॉक किट नहीं डाल रहे हैं, पर फिर भी दोस्तों नहीं भी हो तो भी उसकी सफाई अच्छी तरह कर लेनी है। ठीक दोस्तों ये देखिए पिस्टन आराम से फिट हो गया है, इसको टॉप पकड़ के यहाँ पर इसको ऐसे छोड़ देना है ठीक है दोस्तों। इसके बाद दोस्तों अब हेड फिट करना है, तो हेड फिट करने के लिए दोस्तों सबसे पहले आपको इस पर भी सफाई पे ध्यान देना है, यानी अच्छी तरह साफ हो अंदर से और सब कुछ ये क्लीन होना चाहिए ठीक है। और इसके बाद अब लगाएंगे इसकी वाल सील सबसे पहले, तो वाल सील ना ऐसे सूखी नहीं फिट करनी है, इसमें थोड़ा सा ऑयल लगा लेना है ठीक है। ऑयल लगाने के बाद ये जो आपको साइड जो जो ये जो वाल गाइड दिख रही है दोस्तों, इस वाल गाइड में आपको ये फिट कर देनी है, देखो देख रहे हो दोस्तों ये वाल गाइड में फिट हो गई है। और इसके बाद अब दोस्तों अब लगाएंगे इसके वाल, और वाल में भी दोस्तों आपको क्या करना है, हल्का सा ऑयल लगाना है, हल्का सा मॉप लगाना है इस तरफ, और हल्का सा यहाँ पर भी लगाना है और अब इसमें ऐसे करके डाल देना है ठीक है। और जब दूसरी साइड दोस्तों अब सबसे पहले ये वाला वाशर आएगा, ये देखिए ये वाला वाशर डालना है नीचे की तरफ, और इसके बाद फिर ये दो स्प्रिंग, ये देखिए देख रहे हैं ये पतली वाली और एक मोटी वाली, दो ऐसे स्प्रिंग होती है वो ऐसे रखनी है यहाँ पर, और इसके बाद बड़ी वाली कैप ये वाली। इसके बाद दोस्तों अब इसके लॉक लगा लेने हैं, जो देख रहे हैं ये वाले जो छोटे वाले जो लॉक होते हैं वाल के, एक यहाँ और एक यहाँ पर ठीक है। इसके बाद दोस्तों जो वाल पुलर होता है, यानी जो वाल बिठाने वाला जो टूल होता है ना, टूल की मदद से इसको सेट कर लेना है, यानी वाल को बैठा लेना है देख दोस्तों, ये देखिए वाल ये बैठे हैं अपनी जगह पर और ये लॉक भी लग गया है ठीक है। इसी तरह ये जो दूसरा वाला जो वाल है ये भी ऐसे ही फिट कर लेना है ठीक है। दोनों वाल बैठ गए हैं, दोनों वाल बैठाने के बाद दोस्तों अब आपको इसमें डालनी है कैम शाफ्ट ठीक है। और कैम शाफ्ट फिट करने से पहले इसके बैरिंग में भी आपको ऑयल डाल लेना है हल्का हल्का, और बैरिंग भी चेक कर लेंगे, और बैरिंग खराब हो तो इनके भी बैरिंग चेंज करने हैं या फिर कैम शाफ्ट नहीं डाल देनी है ठीक है। ये हो गई है रेडी, ऑयल लगा दिया है और डायरेक्ट इसको सीधा इसमें ऐसे ही डाल देना है
ये देखिए ठीक है, अब ये बैरिंग है ना अंदर, ये देखिए देखिए सामने जो बैरिंग है ये अपने जगह पर जाकर बैठेगा, पर इसको थोड़ा सा ना हल्का हल्का ठोकना पड़ेगा। मैं एक बार धीरे धीरे इसके धीरे धीरे चोट लगाता हूँ। ठीक है, आवाज़ चेंज होते ही समझ जाना कि यहाँ भी बैरिंग बैठ गया है। ठीक है, बिल्कुल एकदम ओके, अपनी जगह पर जाकर के बैठ गई है। और इसके बाद ये जो रोकर देखें दोस्तों, दोनों रोकर सेम होते हैं, कोई साहब किधर भी लगा दें। तो सबसे पहले इधर लगाएंगे, ये ऐसे डालना है, डालने के बाद और इस तरफ से दोस्तों पिन डाल देने, पिन भी सेम ही है दोनों में से, कोई से भी किधर डाल दें। ठीक है, दोनों सेम पिन है, तो ये आपको इस पोजिशन में ऐसे करके डालनी है। ठीक है, ये देख रहे हैं, सॉरी इस तरह से, ये जो कट देखे ना छोटा सा कट पिन में देख रहे हैं, ये वाला, ये कट केम के अंदर की तरफ होना चाहिए, बाहर की तरफ नहीं होना चाहिए। ठीक है, ऐसे करके देख रहे हैं, इस पोजीशन में करके आपको ये डाल देना है। ये देखिए गई ना अंदर, और इसी तरह दूसरी साइड की भी। और इसको भी हम ऐसे ही डालेंगे, सॉरी घूम गई, इसको घुमाना पड़ेगा। ठीक है, और अब इसको दोस्तों ये अपने जगह पर दोनों पिन चली गई है, ये वाली भी और ये वाली भी। ठीक है, और इसके बाद दोस्तों अब एक पत्ती लगेगी, ये वाली, ठीक है, ये पत्ती यहाँ पर ऐसे लगेगी, ऐसे करके। ठीक है, और इसके ऊपर ये वाला एक जो पतली बिट वाला होता है, ये वाला एक पेचर इस प्रकार का आएगा, वो यहाँ पर ऐसे रख करके। ठीक है, अब इसको टाइट कर देना है। अब दोस्तों हेड रेडी है, फिट करने के लिए बिल्कुल तैयार है। ठीक है, इसके बाद दोस्तों अब डालनी इसके अंदर टाइमिंग चैन, जो कि हमें जेन्युइन ओरिजिनल यूज़ करनी है, सीधे इसमें से डाल देनी है। और जो साइड में मैं आपको थोड़ा झुका करके दिखा देता हूँ, ये देखिए देख रहे हैं, इस गिरारी में आप कैसे करके डाल लेनी है। ठीक है, यहाँ पर एक नीचे वाली गिरारी में डल गई है, और इसके बाद अब इसको सीधा कर लेते हैं। ठीक है, और इसके बाद दोस्तों अब लगेगी इसकी टाइमिंग पैड, ये वाली, ये आपको सीधी ऐसे डाल देनी है इसमें। ठीक है, ये इसमें लग गई है, और नीचे भी आपको ध्यान देना है, नीचे भी अपने खाँचे में डालनी चाहिए, ये देखिए देख रहे हैं। ठीक है, और इसके बाद आपको क्या करना है, दो डाउल बूस लगानी है, जो कि इस प्रकार है, मतलब ऐसी है। ठीक है, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर। और इसके बाद दोस्तों अब लगाएंगे इसकी पैकिंग, जो कि हमें ओरिजिनल जेन्युइन यूज़ करनी है। तो इसमें दोस्तों हम हल्की सी बॉन्ड यूज़ करेंगे, ताकि दोस्तों ये लीकेज का, मतलब यहाँ से हेड में सबसे ज़्यादा लीकेज की समस्या आने के चांस होते हैं, तो हम इसमें हल्की हल्की, मतलब सिलिकॉन बॉन्ड यूज़ करेंगे। ठीक है, वो लगा लेता हूँ। सो देख सकते हैं दोस्तों, हमने इसमें हल्की हल्की बॉन्ड लगा ली है, आपको दिख रही होगी ज़्यादा, पर ये ज़्यादा नहीं है दोस्तों, बहुत हल्की हल्की थोड़ी थोड़ी लगाई है। और इसको वैसे यहाँ पर रख देंगे, इस पर आराम से यहाँ पर इसको सेट कर देंगे, देखिए। ठीक है, और इसके बाद दोस्तों अब लगाएंगे हेड। तो मैं दोस्तों एक चीज और दिखाता हूँ आपको, जो ये जो हेड देखें दोस्तों, ये देखिए हेड फिट करने से पहले दोस्तों इसमें भी जो पैड देखें, पैड इसी में आपको कस लेनी है, जो मैंने आपको पहले नहीं दिखाया, ये देखिए देख रहे हैं, यहाँ पर रख के, और ये जैसे होल मिलेगा ना, देखिए यहाँ पर ऐसा रख के, और ये जो बोल्ट था ना, जो कि इस प्रकार रहेगा, ये देखिए देख रहे हैं, इसमें एक तांबे का वासर होगा, ये यहाँ पर रख के यहाँ पर ऐसे रखना है, और इसमें फिट फिट करना है, और इसको टाइट करना ना भूलें बिल्कुल भी, चाहे आप फिट करके टाइट करें या पहले टाइट कर लें, पर इसको टाइट ज़रूर करना है। तो ऐसे करके ना अब ऐसे डालेंगे इसको, और टाइमिंग चैन को ना बांध लेते किसी चीज़ से। तो इसको दोस्तों एक वायर की मदद से बांध लेते हैं, ताकि इसको बाहर निकालने में ना आसानी रहे। ठीक है, अब इसको यहाँ पर ढीली छोड़ देते हैं, और इसके बाद लगाएंगे अब इसका हेड। तो सबसे पहले हेड में डाल लेते हैं तार,
ठीक है। और इसको आराम से अपने जगह प्रेस है सीधा करना है और फिट करना है। ये देखिए ठीक दोस्तों, ये हेड अपने जगह पर बैठ गया है। मैं अगर आपको साइड से दिखाता हूँ, देखिए सर देखिए देख रहा, ये अपने जगह पर बैठ गया है। मैं टेट करके दिखा रहा हूँ, हिल रहा है हेड। तो एक बार ना आप इसका सीधा करके इसमें स्टड डालते हैं। और दोस्तों स्टड में आपको खास ध्यान रखना है, वो क्या है वो देख रहे हैं, ये जो दो स्टड देख रहे हैं दोस्तों, इसमें तांबे के वसर हैं, और जो दो स्टड देख रहे हैं ये वाले, इन दोनों में लोहे के हैं। तो ये कौन सा कहाँ पर आ गया ये मैं आपको बताता हूँ। तो ये जो तांबे वाला देख रहे हैं ना, वो आपको दोनों को यहाँ आगे की तरफ डालना है। तांबे वाला आगे आएगा दोनों, इसमें भी और इसमें भी, ठीक है। इन दोनों में तांबे के वस्त्र वाले, और जो पीछे वाले दिख रहे हैं इन दोनों में लोहे के। ऐसे करके आपको टाइट कर लेना है बराबर, पहले ये टाइट करना है फिर ये टाइट, ये नाम साम थोड़ा सा ये टाइट किया, फिर थोड़ा सा ये, फिर ये, फिर ये, फिर ऐसे ये दोनों आपने सामने, ठीक है। ऐसे बारी बारी करके टाइट कर लेना है दोस्तों। स्टड टाइट हो जाने के बाद आप इसके हेड के ज्वाइंट बोल्ट और इसके चेंबर और सिलेंडर के ज्वाइंट बोल्ट, ये दोस्तों ये लगा लेते हैं फटाफट से। तो एक यहाँ पर आएगा, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर, ठीक है। और इनको कर लेते हैं फटाफट से टाइट। इसके बाद दोस्तों अब इसकी टाइमिंग मिलाएंगे। तो इसकी टाइमिंग मिलाने के लिए एक बार इसके ना तार हटा लेते हैं जो हमने लगाई थी, ठीक है। और दोस्तों अब इसमें टाइमिंग मिलाने के लिए मैं आपको किन किन बातों का आपको ध्यान रखना है। तो सबसे पहले तो ये जो केम देख रहे हैं ना, केम साफ ये फ्री होनी चाहिए ना, ये जो हाथ से घूम रहे ना ऐसे ही हाथ से ही घूमनी चाहिए। अगर मान लो ये उल्टी साइड घूम जाएगी ना, तो ये हाथ से नहीं घूमेगी, टाइट रहेगी। तो इसको पहले आपको फ्री कर लेना है, देखें ऐसे करके, ये हाथ से घूम रही है ऐसे फ्री कर लेना, और बिल्कुल इसके साथ सीधा रखना बिल्कुल ऐसे, ठीक है। और दूसरा क्रैंक का ध्यान रखना आपको, जो क्रैंक दिख रही है ना, ये जो कट दिख रहा है ये वाला, जब उसका दिख रहा होगा ये जो कट दिख रहा है, ये कट दोस्तों बिल्कुल इसके सीधे होना चाहिए। जो कट दिख रहा है यहाँ पर ये वाला, ये बिल्कुल इसके सीधे होना चाहिए। मतलब मैं आसानी से एक बार और आपको समझ देता हूँ। तो ये जो कट दिख रहा है ना, ये देखिए मैंने कट रही जगह पर लगा रखी है, और ये वाले निशान है, एक मेरा कहने वाला ये है। तो इसके बिल्कुल सीधा, यानी ये जो कट है ये बिल्कुल इसके सीधे में यहाँ होना चाहिए, ठीक है। यानी इससे करने से क्या होगा, जो पिस्टन होगा ना बिल्कुल टॉप पे आ जाएगा, और प्लग की साइड से आप देख सकते हैं पिस्टन बिल्कुल ऊपर होना चाहिए, यानी कहने का मतलब ये है मेरा, ठीक है। और इस पोजिशन में आपको अभी इसकी टाइमिंग गिरारी लगानी है, देखिए अब इसकी टाइमिंग गिरारी लगाएंगे। और ये जो दिख रहे हैं छोटा वाला ये छर्रा, ये छोटा सा जो बूझ देख रहे हैं ना, ये आपको यहाँ पर लगाना है, इसके यहाँ पर ऐसे यहाँ पर डाल लेना है, ठीक है। और इसके बाद उसकी टाइमिंग मिलेगी। तो टाइमिंग ये कैसे मिलेगी, इसमें दोस्तों काफ़ी ज़्यादा होल देखने को मिलेंगे, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, और आपको एक डॉट भी देखने को मिलेगा। तो इसे आपको सब किसी पर ध्यान नहीं देना, आपको डॉट पर ध्यान देना, ठीक है। डॉट और इसके सामने वाला ये वाला होल, ठीक है। तो डॉट बिल्कुल इसके सामने होना चाहिए इस वाले निशान पर, और ये जो कट दिख रहा ना, ये हमने जो बूस लगाया ना, ये बूस इस कट के बीच में आना चाहिए। तो मैं आपको लगा के फिर दिखाता हूँ, हमने ये देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ, शायद आपको यहाँ से ऐसे साइड से दिखेगा, देख रहे हैं ये देखो, ये एक मिनट, ये देखिए देख रहे हैं, ये इस निशाने को बिल्कुल सीधा, ये देखो दोस्तों आप देख रहे हैं, ये बिल्कुल इसके सीध में होना चाहिए, इस वाले कट के ये बिल्कुल इसके सीध में, और ये जो कट रहा है ये बिल्कुल सीधी इसके सीध में ऊपर, ठीक है। ऐसे करके आपको टाइमिंग मिलानी है, यहाँ रख देते हैं फिर से। काफ़ी लोग दोस्तों इनके कन्फ्यूजन में रहते हैं, ये जो साइड का जो कट देख रहे ना ये वाला, काफ़ी लोग इनके चक्कर में पड़ जाते हैं। तो इन पर ध्यान नहीं देना है, तो साइड में ये वाला कट देख रहे ना, ये और ये ऐसे सीधे होने से बिल्कुल ये है, ठीक है। ये सीधे होने से और ये आमने सामने, ठीक है दोस्तों, ये समझ में आ गया। और इसके बाद अब इसकी एक पत्ती लगेगी, जो लॉक पत्ती होती है, और इसके दो बोल्ट 8 नंबर के। तो पत्ती आपको ये ऐसे नहीं लगानी है, तो काफ़ी बार क्या होता है ये ऐसे लगा देते हैं, ये गलत तरीका है, यानी ये इसका कोई फ़ायदा नहीं है इस पत्ती का। इसको आपको ऐसे लगाना है, ऐसे यहाँ पर ऐसे करके। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि दोस्तों ये देख रहे हैं ये वाला जो छर्रा जो हमने बुश लगाया था, ये बुश बाहर ना निकल जाए, इसकी वजह से ये पत्ती इसको रोकती है, यानी छर्रे को बाहर निकलने से रोकती है पत्ती है। और इसको ये ऐसे लगाना है, इसे भी रोक के रखेगी, और ये जो बोल्ट दिख रहे हैं ना, इन बोल्ट को भी मतलब कि रोक के रखेगी, ताकि अगर ढीला भी हो जाए तो ये बाहर खुल के ना गिरे,
ठीक है, तो यहाँ प्रेस रख के आपको टाइट कर लेने हैं। सो दोनों बोल्ट जब टाइट हो जाए दोस्तों, तो इन पत्ती को क्या करना है, ग्लास वगैरह की मदद से या फिर किसी भी चीज़ की मदद से इसको उठा के और इसको टाइट यानी इसको भींच देना है इस बोल्ट के साथ। देख रहे हो ये से दब गया है, और इसको भी वैसे ही इसको दबा देंगे, ठीक है। इसके बाद दोस्तों अब लगाएंगे इसका टाइमिंग एडजस्टर, जो कि टाइमिंग चेन को टाइट रखता है। तो ये दोस्तों थोड़ा सा अलग है, यानी उसी की तरह नहीं है जो हमारे यहाँ पर जो पेच होता है, जो बारीक पेच की मदद से हम इसको टाइट करते हैं और लूज़ करते हैं तो वो बाहर निकल जाता है। पर ये दोस्तों स्प्रिंग वाला है, ये देख रहे हैं, ये स्प्रिंग इसके पीछे धक्का डालती है तो ये बाहर आ जाता है, पर ये वापस नहीं जाता क्योंकि ये जो यहाँ पर एक लॉक लगा हुआ है तो ये जितना बाहर निकलता है उसको वापस आने नहीं देता, ये लॉक कर देता है वहीं के वहीं, ठीक है। तो इसको सबसे पहले रीसेट करते हैं। तो अब क्या करना है, सिंपल इसको ऐसे दबाना है, ये देख रहे हैं ये दब रहा है ना, इसको दबा के रखना है और फिर आपको इसको आगे ऐसे दबा देना है, ठीक है, फिर इसको छोड़ देना है, ठीक है। अब ये यहाँ पर ये रीसेट हो गया है। तो अब आपको क्या करना है दोस्तों, पहले लेंगे पैकिंग, और इसमें दोस्तों एक चीज़ का और आपको ध्यान रखना है एकदम, ठीक है, यहाँ और ऐसे आपको चेक कर लेना है, बिल्कुल सेंटर में होल आना चाहिए क्योंकि पैकिंग भी उल्टी और सीधी होती है। देखिए देखिए ना, हम उल्टी लगा रहे हैं तो इसके होल नहीं मिल रहे, और ऐसे करते हैं तो ये बिल्कुल फिट आती है, ठीक है। ऐसा आपको ये इस चीज़ का ध्यान रखना है, और इसमें भी सेम वही चीज़ है, अगर आप ऐसे लगाएंगे ना सिंपल ऐसे करके रखेंगे तो ये फिट नहीं होगा, देख रहे हैं ये होल बिल्कुल भी सेंटर में नहीं आ रहे, यानी बोल्ट इसके लगेंगे नहीं, ठीक है। तो आपको इसको ना ऐसे लगाना घुमा करके ऐसे, ये देखिए अब बिल्कुल होल बिल्कुल सेंटर में मिल गए हैं दोनों के, और मिल जाने के बाद अब इसके बाद इसका लगा देंगे बोल्ट, एक यहाँ और एक यहाँ पर, इन दोनों को टाइट कर लेना है, ठीक है दोस्तों। टाइट हो जाने के बाद अब इसके बाद इसकी ये वाला लगा देंगे, ये तो बोल्ट जो इस प्रकार का है, एक इसमें पिन लगी हुई है, स्प्रिंग ऐसे डालनी है, और इसका रिंग रिंग की भी आपको ध्यान रखनी है, देखिए रबड़ की रिंग ये होनी चाहिए इसमें, नहीं तो यहाँ से ऑयल लीकेज होगा। तो आपको सिंपल ऐसे डालना है और इसको आगे दबा करके इसको ऐसे टाइट कर देना है, ठीक है। ये देखिए ये हो गया है। इसके बाद दोस्तों अब लगा लेते हैं सील एक एक करके, जो हमने सील वगैरह नहीं लगाई है, थोड़ा सा ऑयल लगाना है हल्का सा, और थोड़ा सा आपको यहाँ भी लगाना है ताकि साफ्ट में आराम से जाए और सील ख़राब ना हो, ठीक है। सिंपल ऐसे डालनी है और यहाँ जाने के बाद इसको हल्का सा हाथ से दबाना है, जितनी जाए उतनी ठीक है, और उसके बाद आपको जैसे थोड़ी बहुत बाहर रह जाए ना तब कोई प्लग पाना लेना है, और आपको धीरे धीरे चोट लगाएं जो दो दोस्त नहीं मारती हैं, ठीक है। ये अपनी जगह पर जाकर के बैठ गए, ये देखिए पूरी सील अपनी जगह पर जाकर के बैठ गई है। और इसके बाद दोस्तों आप लगाएंगे इसकी टॉप गियर सील, टॉप गियर सील पे भी हल्का सा ऑयल लगाएंगे, ठीक है दोस्तों। ये अपने जगह पर बैठ गई, और इनको बिल्कुल बराबर रखना है दोनों तरफ से, देख रहे हैं अभी बिल्कुल ये बराबर है चारों तरफ से, ऐसा आपको महसूस कर लेना है, चेक कर लेनी है, तो बिल्कुल ये सही है अपने जगह पर ये बैठ गई है, ठीक है। और इसके बाद अब तो अब यहाँ पर लगाएंगे रबड़, ये सेलेक्टर रबड़, तो हम इसमें यूज़ करेंगे थोड़ी सी बॉन्ड यूज़, देख रहे हैं रबड़ ये इस प्रकार का होता है, तो इसमें हल्के हल्के हम बॉन्ड लगाएंगे, और आपको ये यहाँ पर लगा देना है ऐसे करके, ये देखिए ठीक है ये अपने जगह पर बैठ गया है। और जो थोड़ी बहुत बॉन्ड लगाइए वो इसको सेट कर देता है, थोड़ी सी दरार में भर देते हैं ताकि लीकेज ना आए, ये देखिए ठीक है इतना काम हो गया है। इसके बाद दोस्तों अब लगाएंगे इसका नोटल स्विच, तो नोटल स्विच जो देख रहे हैं ना इसमें ये रिंग होनी चाहिए, देखिए देख रहे हैं ये रबड़ की रिंग, तो इसको हम कैसे क्या करेंगे, सिंपल इसको इसमें डाल देंगे ऐसे, ठीक है। और इसके बाद ये जो पत्ती देख रहे हैं ना, ये पत्ती आएगी
ऐसे, ठीक है, ऐसे पत्ते रखने हैं। और इसके ऊपर जो छोटे वाला जो पतली बीट वाला जो पेच है, ये पेच यहाँ पर लगाना है। ऐसे रख के इसको टाइट कर लेंगे, ठीक है, ये हो गया है तैयार। और इसके बाद दोस्तों ये जो दो रिंग दिख रही है ना, ऐसी रिंग लेनी है, एक यहाँ पर रखनी है, और एक यहाँ रखनी है, ठीक है। इसके बाद दोस्तों अब लगाएंगे इसकी कॉइल प्लेट, ठीक है। कॉइल प्लेट भी बड़े ध्यान से लगानी है, क्योंकि इसके जो तांबे के तार हैं ना, जो कॉइल दिख रही है, ये इन पे ये कटने नीचे कोई भी तार या ख़राब नहीं होना चाहिए, नहीं तो ये दोस्तों कॉइल ख़राब हो जाएगी। तो इसमें जो सील है दोस्तों, इसको भी ऐसे ही लगाएंगे, हल्का सा लगाएंगे ऑयल। ऑयल लगाने के बाद फिर इसको इस प्लेट में बिठा देंगे। ऑयल लगाने से दोस्तों सील क्या आएगी, आराम से बैठ जाती है, इसमें हमें ज़्यादा ठोकना नहीं पड़ता और सील ख़राब होने के चांस भी बहुत कम हो जाते हैं, ठीक है। देख रहे हैं अभी बहुत ही आसानी से अपनी जगह पर जा करके बैठ गई है। और दोस्तों ये जो देख रहे हैं, अब इसको फिट करते समय ये जो रिंग है ना, रिंग भी कटने के चांस होते हैं, तो हम क्या करेंगे, इस पर भी हल्का सा ऑयल लगा लेंगे, ज़्यादा नहीं लगाना, थोड़ा सा बिल्कुल, नहीं तो दोस्तों यहाँ पर मट्टी भी चिपकेगी तो फिर ये लीकेज की समस्या में आएगी। और यहाँ पर नीचे चिपकेगी दोस्तों, काफ़ी बाइक में तो कॉइल प्लेट बाहर होती है जैसे कि स्प्लेंडर प्लस में, और इसमें तो ये कवर हो जाएगी, तो इसमें इतनी दिक्कत नहीं आएगी। देख रहे हैं हल्का सा ऑयल लगाया ना, तो इसीलिए ताकि ये रिंग आराम से जा करके अपनी जगह पर बैठ जाए और ये रिंग कटे नहीं ऐसे। एक मिनट, ये जो तार है दोस्तों, इनको भी सेट करना है ऐसे, और इसको भी धीरे धीरे आगे आपको सेट करना है। देख रहे हैं अपनी जगह पर ही आ गई है, ये देखिए, ठीक है, ये अपनी जगह पर बैठ गई है। एक बार फिलहाल इसको ऐसे रख देते हैं और इसकी तार सेट कर लेते हैं। तो ये यहाँ पर आएगी, और ये जो देख रहे हैं ये वाला तार, ये जो एक तार देख रहे हैं, ये जो न्यूट्रल स्विच है ना यहाँ पर, जो स्प्लेंडर प्लस में होता है न्यूट्रल स्विच का तार होता है, तो न्यूट्रल स्विच में ये वाला तार लगा लेना है। न्यूट्रल स्विच का तार लगाने के बाद दोस्तों, अब इसके बाद जो पिकअप कॉइल का तार है, ये भी यहाँ पर इसको ऐसे सेट कर देना है, ठीक है। ये अपनी जगह पर ही आ गए हैं, ऐसे करके सेट करना है। और आपको क्या करना है कि कॉइल अभी टाइट नहीं करनी है, सबसे पहले आपको ये जो नीचे वाली बोल्ट है ये लगाना है, देख रहे हैं इस तरह के बोल्ट होते हैं मोटी बिट वाले, एक यहाँ पर रखना है और एक यहाँ पर, कॉइल थोड़ी सी बैठी नहीं थी कॉइल प्लेट, ये अभी बैठ गई है, ठीक है। दोस्तों ये दोनों बोल्ट हो गए हैं टाइट, और इसके बाद आप लगाएंगे इसी कॉइल प्लेट। तो सिंपल को ऐसे रखनी है, ये लो, ठीक है, और दोनों में लगा देते हैं बोल्ट जो कि इस तरह के मोटी बिट वाले होंगे। तो यहाँ पर रखना है और इसको टाइट कर लेना है, ठीक है। दोस्तों ये हो गए हैं टाइट, और इसके बाद दोस्तों आप इसकी काटर लगानी है यहाँ पर, ये जो कट देख रहे हैं ना, यहाँ पर एक काटर पिन आएगी, ऐसी काटर पिन देखिए, देख रहे हैं इस प्रकार से छोटी सी आएगी, और इसको यहाँ पर इस कट में डाल देना है, ये देखिए, ठीक है, यह सेट हो गई है। और इसके बाद लगाएंगे इसका फ्लाई व्हील यानी मैग्नेट। तो ये जो कट देख रहे हैं ना, ये वाला ये जो कट देख रहे हैं, ये इस काटर में आना चाहिए सर, ठीक है, ये बैठ गया है। और इसके बाद ये वाली इसकी डिग्री आएगी, इसमें कोई भी दोस्तों बीच में वाशर नहीं होता है, ऐसे करके इसको टाइट कर लेनी है। मैग्नेट के बोल्ट टाइट हो जाने के बाद दोस्तों आप लगाएंगे इसकी टाइमिंग प्लेट,
तो टाइमिंग प्लेट जो आपको देखना पड़ेगा, इसकी भी एक साइड होती है, देखिए आपको ये ऐसे नहीं लगानी है, आपको ये ऐसे लगानी है। और आप कैसे ध्यान रखेंगे, इसके ऊपर जो टॉप लिखा हुआ है, देखिए देख रहे हैं यहाँ पर टॉप लिखा हुआ है, तो इसको आपको ऊपर की तरफ रखना है, ठीक है। और इसमें रबड़ की रिंग जरूर होनी चाहिए, रिंग जरूर चेक करना है, ठीक है। इसको आपको ऐसे रखना है, सिंपल सेंटर में लाया दोनों होल में और इसको दबा दिया, ठीक है। और इसके बाद इसके 2 8 9 के बोल्ट जो लगा देना है यहाँ पर, तो इनको कर देते हैं टाइट। इसके बाद दोस्तों इसका ऑयल नट रह गया था, ये और लगा देते हैं। तो आपको ये जाली सेंटर फ्यूल फिल्टर वाली जो जाली होती है, इसको अच्छी तरह से क्लीन कर लेना है साफ अंदर से। और इसके बाद आपको ये जो होल देख रहे हैं ना, ये होल की साइड से आपको ऐसे डालना है इसको ऐसे, ठीक है। ये अपनी जगह पर आ गई। और इसके बाद ये बोल्ट लगा देना है और इसको टाइट कर लेते हैं। अब दोस्तों मेन सेटिंग होती है वाल की, यानी वाल की जो क्लियरेंस होती है इनको सेट करना होता है, यानी टेपिट सेट करने होते हैं। तो इसमें दोस्तों आप सब मैकेनिक अपने अपने हिसाब से रखते हैं, कोई कितनी प्ले रखता है, कोई साइड की प्ले रखता है, ऊपर नीचे की नहीं रखता है, कोई मतलब अपने हिसाब से सब सेट करते हैं। तो दोस्तों अपने हिसाब से आप सेट कर सकते हैं। बाकी मैं तो यही कहूँगा पीछे वाले में, सॉरी जो इनलेट वाल होता है दोस्तों, इनलेट वाल में आप 0.5 mm गैप रखें, और जो एग्जॉस्ट वाल होता है इसमें 0.7 या 0.8 mm गैप रखें, ठीक है। तो ऐसे करेंगे तो दोस्तों काफ़ी ज़्यादा मतलब कि सही रहेगा, आवाज़ ज़्यादा नहीं होगी, और जो बाइक जब हीटिंग होती है तो भी पावर लॉस नहीं होगी, यानी वाल टाइट नहीं होंगे इतने, ठीक है। और बाकी आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। जट्टे पिटके आप सेटिंग करने के बाद, उसके बाद आपको ये क्या करना है, कवर लगा देना है हेड के दोनों तरफ के। तो यहाँ तक हमारा काम कंप्लीट हो गया है। और इसके बाद दोस्तों सिर्फ क्या रह गया, इसका इंजन में ऑयल डालना और इसकी किक सील, किक सील अभी नहीं लगाई है। ये देखिए आपको दिखा देता हूँ, ये देखिए देख रहे हैं किक सील यहाँ पर नहीं लगाई, किक सील लगा लेते हैं। इसके भी दोस्तों हल्का सा ऑयल लगाना है और थोड़ी सी सॉफ्ट भी लगा लेते हैं। ठीक है दोस्तों, किक सील हमारी लग चुकी है, सॉरी बाइक के इंजन की। और दोस्तों इसमें एक प्लग अभी मेरे पास खत्म हो रहा है, तो प्लग वो लगाना है इसमें यहाँ पर। बाइक का इंजन हो चुका है रेडी। अगर दोस्तों आपको कुछ सीखने लायक मिला हो, अगर वीडियो अच्छी लगी हो, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और वीडियो को लाइक शेयर करना तो बिल्कुल भी ना भूलें।